संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने बीजेपी की तीन राज्यों की जीत पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की जीत को कछुआ और खरगोश की दौड़ से तुलना की है, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव पर गठबंधन की जीत का भी दावा किया। पांच राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी की तीन सीट पर जीत हासिल करने के बाद संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी ने तीन सीट जीती है, हिंदुस्तान नहीं और इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। 2024 में गठबंधन के सामने कोई नहीं होगा। आगामी चुनाव कछुआ और खरगोश की तरह है। सपा विधायक ने बीजेपी को जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पिछड़ों को दबाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी कहती है कि हमने अखिलेश यादव का तोड़ निकाला है। यह गलत है क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता भी पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा है। उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और सपा पार्टी अकेली ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। इकबाल महमूद विधायक। तीनों विधानसभा के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। इस कदर शोर है, इस कदर शोर मचा रहे हैं और उस शोर के अंदर इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के अंदर बदलाव आते रहते हैं। 2024 की तैयारियां इंडिया गठबंधन भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, सभी लोगों को करना भी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि प्रोपेगेंडे में बहुत आगे है और उससे कई चैनल भी हमारे दबे रहते हैं, प्रचार प्रसार बहुत होता है। ये बस ऐसे समझ लीजिए 2024 जो चुनाव ऐसा ही है जैसे कछुए और खरगोश के अंदर भागने दौड़ की कंपटीशन चल रहा था। खरगोश तेज चल रहा था, कछुआ धीमा चल रहा था। खरगोश सो गया, कछुआ आगे निकल गया। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई तोड़ इंडिया गठबंधन का नहीं। विधानसभा चुनाव के मन में के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में गठबंधन का कोई तय प्रोग्राम नहीं था। जो भी गठबंधन की बात हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव में करनी हुई थी, क्योंकि देश की राजनीति केंद्र से ही तय होती है और केंद्र ही परिवर्तन कराता है। हर पार्टी और खास तौर से बीजेपी ये कहती है कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम